नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सबका ऑल इंडिया न्यूज़ 24 में। तो आज दोस्तों एक मरतबा फिर हम अपने किसान भाइयों के बीच यहाँ खेतों में पहुँचे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये खेत हैं इस तरफ। तो ये प्याज की फसल दोस्तों काफ़ी दिन पहले यहाँ पर लगाई गई थी और इसकी अपडेट मैं आज आपको देने वाला हूँ। तो अगली वीडियो दोस्तों यहाँ पर इस प्याज की, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम अपने किसान भाइयों के बीच एक मरतबा दोस्तों फिर खेतों में पहुँचे हैं। और यहाँ पर दोस्तों आज एक बड़ी अपडेट और लेकर के आए हैं हम प्याज की फसल को लेकर के दोस्तों। तो यहाँ पर ये जो दोस्तों आप प्याज की फसल देख रहे हैं, कुछ दिन पहले लगाई गई है और इसकी खासियत ये है दोस्तों कि ये भी एक बड़ी पैदावार वाली फसल है और साल में दो मरतबा दोस्तों इस प्याज को लगाया जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह आलूओं को साल में दो मरतबा दोस्तों लगाया जाता है, पैदावार भी बढ़ती है और मांग भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है यहाँ पर। तो उसको पूरा करने के लिए साल में दो मरतबा ये फसलें दोस्तों लगाई जाती हैं, जो कि बड़ी फसलें हैं और तीसरे और चौथे नंबर पर आती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं प्याजों की। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो प्याज की फसल लगाई गई है इसके भी बड़े बड़े क्यारे हैं। हालांकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो क्यारे दोस्तों, तीन इसमें छोटे हैं, एक ये, एक इससे आगे, एक इससे आगे, बाकी के जो क्यारे हैं दोस्तों इसके अंदर बड़े हैं। तो इस प्याज की दोस्तों वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि पहला पानी दोस्तों इसके अंदर दे दिया गया है सल्फर डाल करके। जब ये प्याज लग रहे थे तो इसकी वीडियो मैं बना नहीं पाया किसी कारणवश, तो थोड़ा मैं दूसरी तरफ बिजी था। जो वीडियो आपने डाली होगी प्याज की, माफ़ कीजिए, देखी होगी, वो डाली थी मैंने। तो आज दोस्तों यहाँ पर हम एक खास अपडेट आप सबको देने के लिए आए हैं। देखिए दोस्तों इसके अंदर क्यारे डाले गए हैं और कितने क्यारे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्यारे और 1, 8 और 14 क्यारे हैं दोस्तों। दो छोटे हैं, 14 क्यारे बड़े हैं, 2 क्यारे दोस्तों छोटे हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपसे बात जो करेंगे इस प्याज की फसल को लेकर के, वो ये करेंगे कि पहला पानी दोस्तों इस प्याज की फसल के अंदर दे दिया गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सल्फर वगैरह डाल दिया गया है ताकि इस प्याज की जड़ जो है दोस्तों वो मजबूत हो। और यहाँ पर जो दोस्तों प्याज का जो बीज इस्तेमाल किया गया है वो भी पैदावार में नंबर 1 है और पैदावार को बढ़ाने में भी दोस्तों नंबर 1 है और फसल को भी जो है मजबूती यहाँ पर दोस्तों प्रदान करता है। ज़्यादा इसकी देखभाल करने की आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों समय समय पर हमारे किसान भाई जो है स्प्रे करते रहते हैं इनके अंदर और पानी लगाते रहते हैं और यूरिया वगैरह भी दोस्तों डालते हैं और देसी खाद भी दोस्तों शायद इसके अंदर डाला जाए। तो मैं देखता हूँ अगर देसी खाद दोस्तों हमारे किसान भाई डालते हैं तो उसकी अपडेट आपको मैं ज़रूर दूंगा। लेकिन फ़िलहाल जब ये दोस्तों प्याज लगाए गए थे तो उसी समय इसके अंदर सल्फर डाल दिया गया था ताकि पहले पानी को जब इसमें दिया जाता है दोस्तों तो वो सल्फ़र जो है इस प्याज की जड़ को एकदम से पकड़ लेगा। और आप देख रहे होंगे, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ मैं कि ये फसल जो है दोस्तों अभी आपको थोड़ी थोड़ी खड़ी नज़र आ रही होगी, हालांकि दोस्तों अभी छोटी जरूर है ये फसल, इसलिए आपको पूरी तरह से इस वीडियो के अंदर दिखाई नहीं देने वाली। लेकिन फिर भी दोस्तों मेरा फ़र्ज था वीडियो बनाने का, तो मैं बना रहा हूँ यहाँ पर। तो देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ पर पानी दे दिया गया है बहुत ही अच्छे तरीके से और एक ही पानी दोस्तों मुझे लगता है अभी दिया गया है इसके अंदर, दूसरा पानी जो है आएगा। तो ये पहला पानी दोस्तों बहुत जल्द देना होता है, जब प्याज लग जाते हैं तो उसके 1-2 दिन बाद देना होता है क्योंकि इसकी जो जड़ है दोस्तों वो यहाँ पर पड़ जाती है। फिर धीरे धीरे ये फसल जो है दोस्तों ऊपर की तरफ बढ़ती है और इसके अंदर फिर यूरिया वगैरह लगाया जाता है समय समय पर और स्प्रे वगैरह भी दोस्तों किया जाता है और इसके अंदर जो घास फूस उगाता है तो उसको निकाला जाता है। हालांकि कीट पतंगे दोस्तों इसके अंदर इतने नहीं आते क्योंकि ये छोटी फसल है, इसके अंदर अगर कीट पतंगे आ भी जाएँ तो वो दिखाई दे जाते हैं, उनको निकाल दिया जाता है। तो इसके अंदर ज़्यादा स्प्रे करने की भी दोस्तों आवश्यकता नहीं है और ये भी दोस्तों एक बड़ी फसल है और ज़रूरी फसल है, महत्वपूर्ण फसल है। और यहाँ पर दोस्तों हमारे किसान भाई, जो कि मैं बात हर एक वीडियो में कहता हूँ कि दिन रात दोस्तों मेहनत कर रहे हैं और ये भी दोस्तों एक तरह से प्याज की फसल की अगर मैं बात करूँ तो बड़ी फसल दोस्तों इसलिए भी है क्योंकि इसके बगैर भी हमारा गुजारा नहीं। और मैं सभी तरह की दोस्तों अपडेट आपको देता रहता हूँ अपने किसान भाइयों से रिलेटेड, तो जुड़े रहें दोस्तों आप भी हमारे साथ और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और कमेंट करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़ें और हमारे किसान भाइयों के साथ जुड़ें दोस्तों और उनका हौसला भी बढ़ाएं आप। तो ये जो दोस्तों प्याज की फसल है इसकी एक बड़ी अपडेट आशा करता हूँ आप सबको पसंद आएगी। और इसका जो दोस्तों MSP मंडियों में लगेगा अभी कोई फिक्स नहीं है, तो वो आपको बता दिया जाएगा दोस्तों जब यहाँ से प्याज निकाले जाएंगे तो भी आपको बता दिया जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों इसकी तरफ कोई ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अभी ये फसल बिल्कुल यहीं से दिख रही है। तो जब ये फसल दोस्तों धीरे धीरे बढ़ती जाएगी तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि फिर ये बड़ी हो जाएगी तो फिर ऐसे हम देख नहीं सकते आर पार क्या है, अभी तो आर पार हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों अगर देसी खाद यहाँ पर डाल दिया जाता है
तो ये फसल और भी ज़्यादा दोस्तों बेहतर हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि देसी खाद जो है दोस्तों वो फसल को बहुत ही जल्दी ऊपर की तरफ बढ़ाता है, और दूसरा पैदावार के अंदर भी दोस्तों देसी खाद काफ़ी ज़्यादा इजाफा करता है यहाँ पर। हालांकि यूरिया दोस्तों अपनी जगह है, लेकिन देसी खाद की दोस्तों यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ जो प्याज की फसल के अंदर दोस्तों डाला जाता है ज़्यादातर, मैंने देखा है कई जगह, तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देसी खाद डाला जाता है कि नहीं। और यहाँ पर दोस्तों जो ये प्याज लगाया गया है ये भी उम्दा किस्म का प्याज है और नंबर वन प्याज है और नंबर वन बीज है दोस्तों, इसका नंबर वन वैरायटी है। तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर इस प्याज की फसल में से ज़्यादा पैदावार हमारे किसान भाइयों को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत MSP के साथ दोस्तों ये फसल खेतों से निकल करके मंडियों में जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये एक बड़ी अपडेट आप सबको पसंद आएगी। बहुत ही जल्द दोस्तों एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का जो है दोस्तों ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।